नाज़रीन गिरामी, क्या आप ये जानते हैं कि इस दफ़ा यहूदी इसराइली ताकतों की जानिब से इसराइल के अंदर ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बान के मौके पर सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी क्यों की गई है? क्यों यहूदियों ने बड़ी तादाद में ये भेड़ बकरियां जिनका रंग सुर्खी माइल है इन्हें इकट्ठा किया और फिर बैतुल मुकद्दस की दीवार के करीब इन्हें कुर्बान करते हुए वहां करीब मौजूद समंदर से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं? आज से 3 माह पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की एक खुफिया मुलाकात इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से न्यूयॉर्क सिटी में हुई। इस मुलाकात का मकसद क्या था और इसके नतीजे में सऊदी अरब को कौन सी लिस्ट से निकाल दिया गया है? आज के वीडियो में इन्हीं तमाम बड़ी तब्दीलियों के मुतल्लिक आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज आपको बरवक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, इसराइली यहूदियों की तालीमात के मुताबिक उनकी किताबों के अंदर ये वाज़ह है कि जब उनके मसीहा यानी दज्जाल फितने के आने का वक्त हुआ चाहता होगा तो उस वक्त दुनिया पर मौजूद ये गासिब यहूदी और ये जालिम सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी करेंगे। ये कुर्बानी का खून दरअसल उनके मसीहा दज्जाल को खुशामदीद कहने की एक अलामत होगी। यही वजह है कि रवां बरस ईद उल अज़हा के मौके से तकरीबन 3 महीने पहले बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। ये आगाज उस वक्त हुआ जब इसराइल के एक टीवी चैनल ने बैतुल मुकद्दस की जगह पर इसराइलियों की जानिब से तामीर किए जाने वाले मुजव्वजा तीसरी दफा हैकले सुलेमानी के एक नक्शे को अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर वाज़े तौर पर दिखाना शुरू कर दिया गया। यहाँ हैकले सुलेमानी तो नजर आ रहा था लेकिन मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि आखिर इसराइल क्या प्लान कर रहा है, 3 महीने पहले सऊदी वली अहद से मुलाकात क्यों की गई, अचानक सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात आपस में बेहतर कैसे हो गए, ये सिफारत खाने कैसे खुल गए, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि इसराइलियों की जानिब से अब की बार कोशिश ये की गई है कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस की दीवार के साथ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए गए हैं। इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि अब यहाँ हैकले सुलेमानी की तामीर की जाएगी और फिर इसके बाद इन यहूदियों का मसीहा दज्जाल आएगा जो आकर इन्हें पूरी दुनिया पर फतह दिलवाएगा। अब नाज़रीन गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि ये फतह कैसे हासिल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके मुतालिक आपको ये बताएं कि तकरीबन आज से 3 माह पहले एक खबर सामने आई जिसे फौरी तौर पर मगरबी मीडिया ने दबाना शुरू कर दिया था। वो खबर ये थी कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की न्यूयॉर्क सिटी में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात हुई है। जिस रोज मोहम्मद बिन सलमान न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद थे, अगर उस रोज के फ्लाइट रूट की बात की जाए और नेतन्याहू के टिकट की बात की जाए तो इन दोनों से ये अंदाजा होता है कि नेतन्याहू भी उसी रोज न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। लेकिन आप एक लम्हे के लिए इसे महज इत्तफाक भी समझ लीजिए, लेकिन इससे 3 रोज बाद जो बड़ी तब्दीली आई वो ये थी कि नेतन्याहू की जानिब से सऊदी अरब से आने वाले अफराद को इसराइल में क्वारंटीन यानी करंटीना करने की शर्त से खारिज कर दिया। इसके बाद सवाल यह पैदा होने लगा कि आखिर सऊदी अरब से कितने ही लोग आते हैं जिन्हें इस शर्त से मुस्तस्ना करने के लिए नेतन्याहू की जानिब से यह बड़ा इकदाम उठाया गया। नाज़रीन गिरामी, अब इसका एक और मंजर और एक और पहलू भी देखिए। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त नेवम या नीम नामी एक सिटी तैयार की जा रही है। सऊदी अरब ये जान चुका है कि अब उसकी मईशत तेल की बुनियाद पर ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ बढ़ती जा रही है। लिहाजा सऊदी अरब अपनी मईशत को टूरिज्म बेस्ड मईशत बनाना चाहता है। यही वजह है कि वही सऊदी अरब जो पहले उमरा करने के लिए आने वालों को सिर्फ 30 दिन का वीज़ा जारी करता था, अब इस वीज़े की मियाद बढ़ाकर 90 रोज़ कर दी गई है और ये वीज़ा हासिल करने वाले पहले सिर्फ मक्का और मदीना मुनव्वरा जा सकते थे, अब ये पूरे सऊदी अरब में
किसी भी जगह पर ये 90 रोज गुजार सकते हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने मगरबी दुनिया को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए नेवम सिटी तामीर करना शुरू की और इसमें खास तौर पर यही मगरबी ममालिक जिनके पीछे इसराइली ताकत मौजूद होगी, ये इस नेवम सिटी में बड़ी बड़ी सरमाकारी करेंगे। यहाँ पर होटेल्स, कैसीनो और इस तरह के क्लब्स तामीर किए जाएंगे। जब सऊदी अरब के अंदर ये तमाम इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदी मईशत की बुनियाद इस इन्वेस्टमेंट पर बना दी जाएगी, तो इसके बाद सऊदी अरब को मैनेज करना आसान हो जाएगा। फिर नाज़रीन गिरामी, यही इसराइल जब मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो अभी जो ये उम्मीद की जाती है कि सऊदी अरब सबसे पहले खड़ा होगा, सऊदी अरब को इन्हीं मुआशी बुनियादों पर खामोश रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पर भी बात कर ली जाए। इससे पहले मगरबी दुनिया हमेशा से इस असूल पर काम करती रही है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, यानी दो ग्रुप्स को आपस में लड़ा दिया जाए, फिर या तो सुलह के नाम पर इन पर हुक्मरानी की जाए या फिर उन्हें मजीद फंडिंग देकर इस लड़ाई को हवा दी जाए। लेकिन अब चीन ने सऊदी अरब और ईरान की आपस में दोस्ती करवा दी और इस हद तक के सिफारत खाने भी खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब इसराइल सऊदी अरब को एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर एक असर व रसूख रखने के लिए ईरान को भी मैनेज कर लेगा और सऊदी अरब को भी मैनेज कर लेगा। इससे पहले यूएई और बहरेन तो सऊदी अरब को तस्लीम कर ही चुके हैं और इनके साथ बकायदा तौर पर तिजारत भी की जा रही है। इसराइल ने तिजारत को अब की बार अपना हथियार बनाया है और आइंदा तकरीबन 50 साल की ऐसी प्लानिंग की है जिसकी बुनियाद पर आने वाले सालों में सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक को मैनेज किया जा सकेगा। नाज़रीन गिरामी, वाज़ह रहे कि फ़लस्तीन एक ऐसी सरजमीन है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। ये वही सरजमीन है जहां जनाबे दाऊद अलैहि सलाम आए और फिर जनाबे सुलेमान अलैहि सलाम का तख्त यहां पर था। जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस ज़मीन पर आ जाओ। जनाबे ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश इस ज़मीन पर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़रे मेराज पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो पहले अपनी अरब की सरजमीन से फ़लस्तीन की सरजमीन पर आए, नमाज का तोहफा मिला तो मुसलमानों का किबला अव्वल इसी फ़लस्तीन की सरजमीन पर मौजूद था और फिर हिजरत के बाद जब किबला तब्दील हुआ तो वह आज भी मस्जिद किबलातैन मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए भी दिलों के इंतहाई करीब है, ये ईसाइयों के लिए भी दिलों के इंतहाई करीब है और यहूदी यहाँ पर तीसरी मरतबा हैकले सुलेमानी की तामीर करके अपने मसीहा दज्जाल को खुशामदीद कहना चाहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी तस्वीर समझ आई होगी जिसकी बुनियाद पर यहूदियों ने इस दफ़ा सुर्ख बछिया की कुर्बानी करके अलामती तौर पर अपने मसीहा को खुशामदीद कहना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहें।